हाय एवरीवन, एक न्यूज़ आई है आप लोगों के सामने फ्लोट कर रही है और उस न्यूज़ को लेके यू आर क्वाइट परप्लेक्स्ड, क्योंकि बहुत सिंपल बात है कि जब आप नेट की तैयारी करते हैं तो उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मोटिव यही होता है कि आगे चल के आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे या लेक्चर की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। इसी के लिए आप नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, मैंडेटरी होता है, और उसके बाद में फिर आप पीएचडी की बात आती है। तो हो क्या रहा था कि पिछले कुछ सालों से देयर वॉज अ सिचुएशन जिसमें कि हमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने मिल रही थी। जैसे कि 2018-19 के आसपास हमें सुनने में मिला कि यूजीसी का रेगुलेशन आया कि पीएचडी विल बी कंपलसरी इफ़ यू वांट टू जॉइन द यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद में फिर एक रेगुलेशन आया बिकॉज कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के कारण आपको पता है कि कॉलेजेस और सब पे इम्पैक्ट हुआ अच्छा खासा, तो उस पॉइंट पे बोल दिया गया कि कुछ 2 साल के लिए हम ये जो मैंडेटरी, हमने एक पॉइंट मेंशन किया है कि मैंडेटरी हो जाएगा, रूल हो जाएगा एक कि पीएचडी होना ही चाहिए, उसको उन्होंने मतलब लेट गो किया कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, 2 साल के लिए हम इस पर्टिकुलर जो कंडीशन है इसको लेट गो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वापस से ये कंडीशन एक मैंडेटरी कंडीशन बन जाएगी। लेकिन वापस से अभी हम लोगों के सामने एक न्यूज आई है, ट्विटर हैंडल पे यूजीसी चेयरमैन ने बोला है कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब क्या है इस न्यूज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, आई विल बी टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हर एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको आंसर करूंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेट मी जस्ट शो यू दैट। फर्स्ट विल बी ऑफकोर्स पीएचडी इज मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉट, पीएचडी इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशंस और नॉट। मतलब प्रमोशंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन उसके आगे की जो पोजिशंस होती हैं उन पर प्रमोशन आपका होगा, तो उसके लिए पीएचडी ज़रूरी है कि नहीं है। नेट मैंडेटरी है कि नहीं है ज़रूरी, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हमें ये भी न्यूज़ मिली है, आई विल शो यू इन द लेटर स्टेज ऑफ द वीडियो, कि नेट भी मैंडेटरी नहीं रहेगा, ठीक है। देन पब्लिकेशंस मैंडेटरी होते हैं पीएचडी के लिए कि नहीं, तो इन चारों पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल है ये, उसी का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ये यूजीसी चेयरमैन का पोस्ट है या ट्वीट है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये एक ऑफिशियल हैंडल पे आपको ट्वीट दिया गया है 11th of March को 2023। दैट मीन्स कि येस, इट सीम्स क्वाइट बिलीवेबल कि ठीक है, अभी पीएचडी जो है उतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, मतलब मैंडेटरी नहीं रहेगी फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। अब आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, सेट, जिनको कि हम बोलते हैं SAT के नाम से जानते हैं, उसके बेसिस पर वहाँ पर जो कॉलेज हैं उनमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लिए कुछ ऐसा खास रेगुलेशन पहले भी नहीं था, बट अभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बात हो गई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी PhD इज़ नॉट मैंडेटरी। हालाँकि वी आर वेरी श्योर कि वेरी सून वील गेट दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम दी UGC साइड, ठीक है। तो जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इस चीज़ पे और ज़्यादा हम लोग को एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, बट अभी के लिए अगर ये ऑफिशियल हैंडल ट्विटर हैंडल से भी आया है UGC इंडिया के, सो इट सीम्स क्वाइट बिलीवेबल और ये कन्फर्मेशन टाइप का ही आप इसको मान के चल सकते हैं। अब इसी न्यूज़ को तेलंगाना टुडे ने भी कैप्चर किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, PhD नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ सेड बाई दी UGC चेयरमैन, ठीक है। तो पूरे जो डेटा है, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ पर उन्होंने ये एक स्टेटमेंट या एक बात जो थी वो मेंशन किया कि जो PhD है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑफ कोर्स और कॉलेजेस में भी, एंड एक क्वालिफिकेशन, अगर आपका सिर्फ आपने नेट क्वालिफाई किया है दैट वुड सफाइस, मतलब कि अगर आपने सिर्फ आप नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, नेट LS आपने क्वालिफाई किया है, यू आर वेरी मच एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दी कॉलेजेस एंड दी यूनिवर्सिटीज़, ओके। देन इंडिया टुडे, सॉरी आज तक का भी एक न्यूज़ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बिना PhD बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC का यह है नया नियम। अगेन PhD की डिग्री ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है। तो कई न्यूज़पेपर के हिसाब से भी हम लोगों ने ये चीज़, हमें कंफर्मेशन मिला है, जो चेयरमैन है UGC के M जगदीश कुमार, उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ कंफर्म किया है। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, उसी न्यूज़ को हिंदी में कवर किया गया है, उसको पढ़ के आप एक बार और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हिंदी में भी आपको यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू रीड इट थ्रू थॉरली, ठीक है।
नाउ आपको पता है कि चेंजेस जो भी हुए थे वो सब चीज़ें यहाँ पर पुरानी जो भी है मेंशन कर दी गई हैं कि पहले क्या क्या चेंजेस हुए थे। पहले कंपलसरी बना दिया गया था, फिर उसको वापस से हटा दिया गया कुछ टाइम के लिए, देन वापस से बात हो रही थी कि क्या मैंडेटरी रहेगा कि नहीं रहेगा। देर वॉज अ लॉट ऑफ डिबेट कि अगर PhD नहीं है तो क्या वो लेवल ऑफ या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स या टीचर्स हमको मिलेगी या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, क्या हम वो क्वालिटी के मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। बट देन देर वॉज अ ग्रुप हुआ सेइंग कि अगर कोई नेट क्लियर करके आ रहे तो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी मच केपेबल ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, बिकॉज नेट क्लियर करना अपने आप में दर्शाता है कि आपने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स यू आर वेल रेड, यू आर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बात हो रही थी जो मैं अभी आप तक आपको बता चुकी हूँ। देन देयर इज अ न्यूज़पेपर विच इज कवरिंग कि UGC की नई गाइडलाइन, प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी नहीं PhD की डिग्री, अब बिना नेट और PhD के बन सकेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। देखिए, बिना नेट के अभी मैंने आपको जस्ट ट्वीट जो दिखाया उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशनड है कि PhD की जो कंडीशन थी या PhD के जो मैंडेटरी एक प्रोविजन था उसको फोरगो हम कर रहे हैं, उसको हम लेट गो कर रहे हैं कि ठीक है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने कहीं ये नहीं बोला या UGC चेयरमैन ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है, हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि नेट की भी ज़रूरत नहीं होगी। नेट इज़ एन एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इट हैज़ बीन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू आउट। उसके बाद फिर PhD की एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है, बट अभी के लिए हमें पता है कि नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है यू आर वेरी मच एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इन दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज वेल एज ऑफ कोर्स जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं वहां पर भी, ठीक है। तो नेट जरूरी है, सो दिस स्टेटमेंट इज पार्शली रॉन्ग क्योंकि नेट के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहे हैं ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। यू नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यस, बट देन देयर इज़ वन पॉइंट कि क्या प्रमोशंस हो पाएंगे PhD के बिना। नो, दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंशन एनी वेयर। ऑल्सो इट हैज़ बीन द केस लाइक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में आपको प्रमोशन होता है एसोसिएट प्रोफेसर एटसेट्रा एटसेट्रा, सो उन केसेस में आपके पास PhD आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि ज्वाइन करने के लिए सबसे बेसिक लेवल दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, उस लेवल पर अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं उसके लिए PhD ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका प्रमोशन के लिए जो PhD है वो ज़रूरी बिल्कुल है और नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और था अभी तक और आगे भी ये ऐसा ही रहने वाला है बिकॉज इसके बारे में कुछ भी अभी तक हमने इफ एंड बट नहीं सुना है, ठीक है। देन देर इज वन मोर पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश इन जर्नल्स बिफोर फाइनल PhD थीसिस। तो कई जगह पे ये होता है बट देन दिस न्यूज इज क्वाइट आई फील कि अभी तक हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट येस जैसे ही इसके बारे में मुझे कुछ भी क्लैरिटी आपको और ज्यादा मिलती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी मिलते हैं, विल लेट यू नो इन दी अगेन लाइक इन वन वीडियो कि इस बारे में एग्जैक्टली क्या रेगुलेशन हमारे सामने हैं, मैंडेटरी है नहीं है, क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है। बट वॉट एवर इज द सिनेरियो रिगार्डिंग PhD का मैंडेटरी कंडीशन या फिर नेट का क्राइटेरिया, वो मैंने आपके सामने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही करना है और ऑफकोर्स उसके बाद में बिकॉज आप ऑफकोर्स जॉब के साथ साथ भी आप PhD कर सकते हैं इन मेनी केसेस। तो उस केस में क्या होगा कि आप जॉब के साथ साथ में PhD कर सकते हैं एंड देन फॉर योर प्रमोशंस यू विल नीड अ PhD डिग्री, तो वो आप अगेन अकॉर्डिंगली आप अपने जो PhD डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए चैनल के साथ में, जितनी भी अपडेट्स होती हैं मैं इस चैनल पे आपको देते रहती हूँ। ऑल्सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको DBT CSIR दोनों के लिए जो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ है वो आपके लिए लेकर आऊँ। आपको बहुत बेनिफिट प्रीवियसली भी आप जो जितने भी सालों में एग्जाम हुए हैं जब हमने शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ लेकर आए आपको बहुत बेनिफिट मिला है, सिमिलरली इस बार भी आपको बहुत ही अमेजिंगली बेनिफिट इसमें होने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एवरीवन, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।